हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट ओपन होने से पहले जस्ट डायल स्टॉक के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ खास है जो आने वाले दिनों में और बन जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, आपको जस्ट डायल को खरीद के चलना है दोस्तों, क्योंकि इसमें आने वाले दिनों में आपको अच्छा रैली देखने को मिला जाएगा। रैली मतलब अच्छा तेजी देखने को मिला जाएगा। अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, वो भी देख सकते हो 579, अराउंड 580 के आसपास ही चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये हमारे हाथ नहीं आएगा। तो अगर हमें इसे पकड़ना है तो आपको पहले से खरीद के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों जस्ट डायल में इसमें क्या ऐसा खास है जो आपको खरीदना ही चाहिए। तो दोस्तों, आने वाले दिन तो आपको पता ही है कि रिजल्ट से भरपूर दिन है, सब सारे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपको इस चीज पे फोकस करते हुए दोस्तों, जस्ट डायल का जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन आ सकता है। इस वजह से जस्ट डायल में जो है आपको खरीदारी का मौका मिलने को देखा जाएगा। अभी देख सकते हो 1 ईयर में 24% का रिटर्न है, मतलब कि दोस्तों जो भी है अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है जस्ट डायल। हालांकि ये जो आई थी कल क्लोजिंग आई थी 2% गिरावट के साथ दोस्तों, वो सही नहीं था, लेकिन आज के दिन में जो है ये रिकवर करने के लिए पूरा ट्राई करेगा, जिससे जिन्होंने अगर कोई भी अगर ऊपर थोड़ा हायर लेवल पर खरीदा है तो उनको अपना प्राइस मिल जाएगा। और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग हैं जहाँ पर यहाँ पर जो टारगेट दिया जा रहा है 650 का टारगेट दिया जा रहा है जस्ट डायल का 650 का टारगेट दिया जा रहा है। मतलब कि अगर अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो 580 के प्राइस पर खरीदें या 600 के प्राइस पर खरीदें, वो तो निकल जाएंगे, क्योंकि 650 तक आने तक जो है ये टारगेट 650 वो टाइम लग जाएगा, और हो सकता है कि स्टॉक वहां से करेक्शन भी ले ले। तो यहां पर जो बाय कॉल दिखाया जा रही है अलग है, ये फंडामेंटली आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ये मतलब अपना जो टेक्निकली वो करके बता रहा है कि यहां पर आप जो खरीदारी कर सकते हैं जो इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो। तो अपने ऊपर भी कुछ स्टडी करना है, तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है। जब तक कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आप नहीं देखेगा, तब तक कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कंपनी कैसी है और कैसा कामकाज कर रहा है। तो ये कंपनी का अगर नेट सेल्स देखते हैं तो 3% के आसपास है। ठीक है, 3% के आसपास है तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी 8% के आसपास है, तो ये एक नॉर्मल वे में निकलता जा रहा है। लेकिन ये है आपके सामने 9 मंथ का रिजल्ट। ठीक है, यहां पर देख सकते हो 9 मंथ का रिजल्ट है दोस्तों, ये स्नैपशॉट है आपके सामने। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं 2017 से 18 में क्या क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर 19 और 20 में देगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो अगर परसेंट में अगर चेंज हुआ तो देख लीजिए नेट सेल्स जो है अराउंड 13% जो था वहां पर 3%, यहां पर 13%। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हुआ कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है अपना प्रॉफिट निकाल ही ले रही है, उसको नहीं छोड़ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में भी 38%, मतलब कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम ले सकता है। और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों एनुअल रिजल्ट, इसमें तो और जो अच्छा है इंप्रूवमेंट किया गया। तो इसी इंप्रूवमेंट के हिसाब से आप इस स्टॉक में अगर पहले से खरीदे हो तो बने रहो, अगर खरीदना चाहते हो तो छोटा मोटा खरीद सकते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो देख लो इसमें क्या बताया जा रहा है दोस्तों, एनुअल रिपोर्ट में यहां पर देख सकते हो जो इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है उसमें देखिए 44.45% का जो है इसमें अपर सर्किट आपको देखा जा रहा है। ठीक है, नेट सेल्स में अराउंड 14% का। तो जो भी है दोस्तों, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में अगर आपको पॉजिटिविटी दिख रही है तो कंपनी जो है ठीक ठाक काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डुबा देगा जैसे कि DHFL PC ज्वेलरी जैसा। ठीक है, वैसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आप देखिए दोस्तों, मार्केट ओपन होने से पहले मैं शॉर्ट में वीडियो बनाना चाहता हूं ताकि आप लोग जाके वॉच कर पाए अपने वॉच लिस्ट में। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम कल भी आपको बता सके कि कौन स्टॉक में आपको क्या करना है।